ओम सायराम सभी के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज रात्रि के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों को बताया है, मेरे बच्चों, जिस प्रकार प्रत्येक इंसान अपने कर्म के द्वारा अपना भविष्य सिद्ध कर लेता है, एक अपना भविष्य बना लेता है, और जो उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हैं वो कर्म के द्वारा अपना एक अच्छा भविष्य बना लेते हैं, उसी तरह तुम भी कर्म करते रहो, एक अच्छा कर्म करते रहो और उस कर्म का फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा मेरे बच्चों। उसी कर्म के द्वारा मैं तुम्हारा एक अच्छा भविष्य भी बना दूंगा और उस भविष्य को लेकर आप अपने जीवन में एक खुशियों का पहाड़ बना सकते हो। इसलिए मेरे बच्चों, जिस मार्ग से तुम अभी भटक गए हो, जिस मार्ग पे तुम पहले चल रहे थे, उस मार्ग से तुम बहुत भटक चुके हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम्हारी पूजा भक्ति भी अभी कम हो गई है क्योंकि तुम इतनी चिंताओं में घिरे रहते हो। हर पल तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अगर ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा, मैं अभी कुछ कर नहीं सकता और आगे क्या कुछ कर पाऊँगा, कैसे करूँगा। ये चिंताएँ मेरे बच्चों तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ कर्म करते रहो। अच्छा कर्म करते रहोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छे फल की भी प्राप्ति करूँगा मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चों इंसान का भविष्य उसके कर्मों के द्वारा ही बनता है। तुम जिस प्रकार के कर्म करोगे उसी प्रकार का तुम्हारा भविष्य बना दूंगा मैं। तुम कर्म करते रहो, सब कार्य तुम्हारे खुद पे खुद सिद्ध होने लग जाएंगे। मैं तुम्हें मेरे बच्चों कुछ कठिनाइयों में डालकर तुम्हें एक अच्छी और एक सच्ची राह पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर कुछ दुख की घड़ी तो होंगी लेकिन आगे का तुम्हारा भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो जाएगा। अच्छा भविष्य बना दूंगा तुम्हारा। अभी जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है, मैं जानता हूँ बहुत ही कठिन परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो। अभी तुम्हें परेशानियों ने ही चारों तरफ से घेर रखा है, अभी किसी भी परेशानी से तुम्हें निजात नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक तंगी से भी तुम बहुत परेशान हो चुके हो मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी आर्थिक तंगी भी किसी न किसी कारणवश दूर करूंगा मेरे बच्चों, और आज रात्रि में मैं तुम्हारे सपने में भी आऊंगा और सपने में मैं तुम्हें एक अच्छा मार्गदर्शन भी कराऊंगा। जब तुम सुबह मेरी पूजा करने आओगे तो मुझे बताना भी मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें मार्गदर्शन कराया या नहीं कराया। अगर नहीं करा पाया किसी कारणवश तुमको, तो मैं दूसरी रात को तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा, अवश्य ही कराऊंगा, ये मेरा वचन है मेरे बच्चों। तुम मेरी तरफ श्रद्धा और भाव से निहारना, मैं तुम्हें अवश्य ही एक अच्छी राह पर ले जाऊंगा। मैं अभी भी तुम्हें एक अच्छी राह पर ही ले जाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, लेकिन तुम थोड़े दुख के आ जाते हैं, तुम तड़प उठते हो और आकर मुझसे कहने लगते हो, बाबा ये हुआ। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ दुखों का सामना करना इतना आसान नहीं होता है मेरे बच्चों, लेकिन जब दुख की घड़ी निकल जाती है, गुजर जाती है, तभी तो सुख की घड़ी आती है ना मेरे बच्चों। दुख की घड़ी में तो इंसान टूट जाता है, मैं जानता हूँ, लेकिन उस घड़ी में मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा अपना नहीं है। जो इस दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देगा वही मेरे बच्चों सिर्फ तुम्हारा है, अन्यथा कोई तुम्हारा नहीं है। अब तक तुम जिन पर विश्वास करते हो, ये मेरा है वो मेरा है, अब तुम खुद ही देख लेना मेरे बच्चों, तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा इस परिस्थिति में कौन तुम्हारा साथ देगा। जो तुम्हारा अपना है, एक दिल से तुमसे रिश्ता रखता है, वो इन परिस्थितियों में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा साथ छोड़ गया वो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अगर हुआ तो केवल वो सुख की घड़ी में तुम्हारा होगा, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। ऐसे इंसानों से बचने की कोशिश करो मेरे बच्चों, ऐसे इंसानों से दूर रहो जो स्वार्थ के लिए तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे एक रिश्ता रखते हैं, मतलब रखते हैं। ऐसे इंसान कभी भी दगा दे सकते हैं, ऐसे इंसान कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं मेरे बच्चों। इन इंसानों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ, मेरे पास आओ, मेरे करीब रहो, मैं हूँ तुम्हारा अपना, मुझसे एक सच्चा रिश्ता बनाओ। जिस भी रिश्ते में तुम मुझे पहचानोगे, पूजोगे, उसी रिश्ते में मैं तुम्हें
दिखाई दूंगा मेरे बच्चों, उसी रिश्ते में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं मेरे बच्चों। आज रात को मेरे बच्चों मेरे नाम का स्मरण मन ही मन करते सो जाना, मेरे भजन सुनते सुनते सो जाना, मैं अवश्य तुम्हारे सपने में आऊँगा, तुम्हें एक अच्छा मार्गदर्शन भी कराऊँगा और अपने दर्शन भी कराऊँगा तुम्हें। जो मेरे दर्शन की इच्छा रखते हैं उनको मैं दर्शन कराऊँगा, जो मुझसे कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं मैं उनकी वो भी चीज़ आज सपने में उनको बताऊंगा, वो पूरी कब तक हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों मुझ पर भाव और श्रद्धा बनाए रखो, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए तुम उन परिस्थितियों में मुझसे विश्वास श्रद्धा मत तोड़ो, और फिर देखना मैं कैसे कैसे तुम्हारे साथ चमत्कार करूँगा, और प्रत्येक चमत्कार में तुम्हारा भविष्य एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाऊँगा और तुम्हें सुखी रहने का हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद भी दूंगा मेरे बच्चों। बस तुम एक छोटा सा काम कर देना, मेरे नाम का स्मरण करते करते सो जाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें मेरे बच्चों, सिर्फ साईं 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 की ही रट लगा के सो जाना है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो या ना हो अभी आप पर, लेकिन तुम साईं साईं भजते रहा करो, मैं हर परिस्थिति को सरल और सहज बना दूंगा तुम्हारी को। और मेरे बच्चों हर किसी पर विश्वास मत करा करो, क्योंकि हर एक इंसान विश्वास करने योग्य नहीं होता, जहाँ तक हो सके हर एक इंसान की मदद करा करो, हर एक इंसान पर विश्वास मत करा करो। हर एक इंसान की जब तुम मदद करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से कुछ ही समय में निकाल दूंगा मेरे बच्चों। हाँ मैं कहता हूँ मेरे बच्चों, दुख की घड़ी तो आप पर ज़रूर आएंगी, ये तो सच है मेरे बच्चों, लेकिन उन दुख की घड़ी गुजर जाने के बाद सुख की घड़ी तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाली है, और वो जो दुख की घड़ी आएगी वो कुछ पल के लिए आएगी, और वो सुख की घड़ी जो आएगी वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन में लाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इन परिस्थितियों से गुजार इसलिए रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाना चाहता हूँ, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना डगमगाए, मुझसे विश्वास और आस्था ना कम हो उसकी। इसलिए मेरे बच्चों मैं तुम्हें इन परिस्थितियों से अभी गुजार रहा हूँ मेरे बच्चों। जिन लोगों पर मेरे बच्चों तुम दिल और जान लुटा रहे हो, धन दौलत हर चीज़ लुटा रहे हो, वो तुम्हारा साथ हर परिस्थिति में देंगे या नहीं, मैं सब उनका चेहरा ही दिखा रहा हूँ तुम्हें, कौन अपना है कौन बेगाना है। जो अपने होंगे वो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे, और जो अपने नहीं हैं वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, सिर्फ वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, हंसी उड़ाने के ही लिए तुमसे हर एक बात पूछेंगे, ये तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये नहीं होना था, तो मैं नए नए सुझाव भी देंगे वो, लेकिन उनकी बातों में कभी विश्वास मत करना, उन्हीं की तरह उन पर तुम विश्वास करना जिस तरह से वो तुम्हारा साथ देते हैं, कभी दिल से विश्वास उन पर मत करना मेरे बच्चों। जब तुम धोखा खाओगे तो मुझे बहुत गलत लगेगा मेरे बच्चों, इसलिए मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, उन पर दिल से विश्वास मत करना। ओम साईं राम सभी के लिए।